भाई आप लोगों ने पूछा ही वैसे तो मैंने कही कि मैं व्लॉग में बताऊंगा। मेरा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप तोड़ा जाएगा, तू भी तोड़ा जाएगा। वेलकम बैक टू द चैनल भाई साहब। 12 दिन के भाई कठिन और कठोर एकदम ब्रेक लेने के बाद मैंने सोची कि आज व्लॉग कर लिया जाए। भाई दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है तावड़ तोड़, एंड भाई उसके बाद मौसम के चेंज की वजह से मेरे को भी बुखार हो गया ऐसा लग रहा है मतलब। एंड भाई उसके बाद मैंने सोची, कल मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि भाई कल से मतलब कि कल से मैं शुरू करूंगा, लेकिन उसमें मैंने गलती कर दी थी क्योंकि मैं आज से शुरू करने वाला था। एंड भाई मतलब व्लॉग तो फिर कल आएगा ना, मतलब कि 21 जुलाई, तो वो मेरे से गलती हो गई थी, मेरे को परसों से करना चाहिए था। बट देन भाई आप लोग की बहुत सारी सवाल थे जिनका मुझे जवाब भी देना है। भाई आप लोगों ने पूछा भी मेरे से, तो मैंने कही कि मैं व्लॉग में बताऊंगा, एंड वो तो मैं बताऊंगा। भाई उससे पहले मैं दो आपको फनी फनी चीज बताता हूँ, दो जो सबसे ज्यादा फनी थी एंड मुझसे इंस्टाग्राम पर भाई ने पूछा था किसी, वो ये था भाई कि क्या आपका ब्रेकअप हो गया था। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था, है क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ अभी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना ऐसा कुछ होगा, ना ऐसा कुछ है, ना कुछ ऐसा होने वाला है। अगर होगा तो आप सबको सबसे पहले पता चलेगा। भाई उसके बाद एक तो बड़ा ट्रिकी सा बंदे ने बात बोल दी थी, पहले तो उसने पूछा था भाई व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, एंड उसके बाद उसने कही कि भाई कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है, इन सब को पीछे छोड़ के आप व्लॉग्स पे ध्यान दो। तो उसका भाई जिसको समझ आ गया वो समझ लो, वरना कोई बात नहीं। बट देन भाई उसके बाद मैं सबका भाई शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैंने कुछ ऐसा तो कर दिया जिससे भाई आप लोग चाहते थे कि व्लॉग आए। एंड भाई आप लोगों ने पूछा, बहुत से लोगों ने कंसर्न दिखाई, मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। एंड उनके लिए आप, मैंने मेरे दोस्त वोस्त ने पूछा था, उनको मैंने बता दिया, बट आप में से काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि क्या हुआ था, क्यों मैंने ब्रेक ले लिया था। लास्ट व्लॉग में मैंने एक चीज़ बताई थी, बट उसके पीछे और भी चीज़ थी, तो मैं बता देता हूँ। ये सब पुरानी बातें ख़त्म करके जल्दी से हम नया व्लॉग शुरू करते हैं नए दौर के साथ। स्वागत है। हुआ कुछ ऐसा था कि आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने वाटर चेंज किए थे, एंड उसके बाद पानी में जब फ़ोन चला गया था तो फ़ोन वाटरप्रूफ है, उसके बाद फ़ोन के जो प्राइमरी कैमरा है उसके लेंस में फॉग हो गया था, तो उसकी वजह से कैमरा पूरा ही बर्बाद हो गया था। और मुझे लग रहा था कि कैमरा ठीक नहीं होगा, बट वो फॉग हो गया था, वो कुछ समय बाद ठीक हो गया, तो उसके वजह से मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया था। भाई उसके बाद जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो इंस्टाग्राम पे, उनको पता होगा कि मैं बस एक दिन बाहर गया था। एक दिन मैंने स्टोरी डाली थी और वो मैं किसी काम से गया था, तो अमन के साथ मैं चला गया था, वरना मैं नहीं जाता। एंड उससे पहले क्या हुआ था कि 3-4 दिन तक मेरी जो थाई जॉइंट है, एक मिनट, तो मेरी ये जो पेल्विक बोन है, थाई जॉइंट जो होती है, इसमें क्या हुआ था कि भाई राइट लेग में जब मैं चल रहा था तो बिल्कुल भी बॉडी वेट नहीं ले पा रहा था, ये बॉडी वेट नहीं उठा पा रहा था, जिसके कारण बहुत दर्द हो रहा था। एंड मैंने कुछ इसका दिखाया, डॉक्टर को दिखवाया, मुझे लगा ऐसी लचक वचक आ गई होगी, तो थोड़ा सा बढ़ गया और उसके बाद दिक्कत बढ़ गई थी, तो हमने 3-4 दिन का गैप इसके वजह से ले लिया। एंड भाई इसी की वजह से मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा था। देन भाई अ पार्ट ऑफ दिस बहुत ही बड़ी और बेकार चीज हो गई थी, मतलब अबे यार बैंक वाले भी परेशान करते रहते हैं, तो बेकार चीज़ हो गई थी कि मिली की जो तबीयत थी वो ख़राब हो गई थी, एंड इनफैक्ट अभी तक ख़राब है। उसके थोड़ा फेस वेस पर एलर्जी हो गई थी, जो कि अब ठीक हो रही है, बट उसका बुखार फीवर नहीं उतर रहा, तो जिसका उसका डॉक्टर को दिखा रहे हैं, एंड अभी भी उसको दवाई देनी है तो पहले दे देते हैं। एंड यही सब था, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, बट जो भी था ज़रूरी था तो इसलिए मैंने ले लिया। बट अब से डेली व्लॉग्स आएंगे, मतलब डेली व्लॉग्स आ सके तो आएंगे, एंड रेगुलर आएंगे, मिली को दवाई दे देते। व्लॉग हमने इतने दिन बाद शुरू किया है तो हम घर पे ही थे, एंड उसके बाद बाल की हालत आप देख रहे हो, बियर्ड की हालत आप देख रहे हो। सबसे पहले ऐसा करते हैं, बाबा को नीचे बुलाते हैं, एंड उसके बाद हेयर कटिंग बढ़िया सी लेते हैं, ट्रिम करवाते हैं बियर्ड को, एंड उसके बाद आगे का व्लॉग शुरू करते हैं, तो चलते हैं। एंड कल से व्लॉग एकदम बढ़िया आएंगे, आज का भी व्लॉग हम बढ़िया ही बनाएंगे, बट कल से और भी दिनादिनदा व्लॉग्स आएंगे। एंड ये वाला व्लॉग छोटा हुआ बट बढ़िया हुआ, मतलब मैं कर दूंगा आपका मनोरंजन, आप टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा, ठीक है।
अच्छी। तो भाई बाबा हमारे साथ आ गए थे 12 दिन बाद, मतलब 12 दिन पहले भी बाबा हमारे साथ थे और 12 दिन बाद भी हमारे साथ है। कैसे हैं बाबा आप? एक नंबर, एक नंबर। तेज बोला कर थोड़ी, पिछले वाली जो स्विमिंग पूल वाली क्लिप थी उसमें ऐसे बोल रहा है। मैंने आवाज बढ़ाई है इसकी पिछले वाले ब्लॉग में जितनी भी आपको सुनने को मिली है। सही बता रहा हूँ, एक तो ये सिलेंडर वाले टकते नहीं है बारिश होने। तो गाइस बाल कटवाने में गया था एंड उसके बाद आज ट्यूसडे था, मैं भूल गया था, तो जहाँ से मैं कटवाता हूँ वो तो सैलून जो था वो बंद था, तो इसलिए मैंने आज नहीं कटवाया, आप कल कटवाएंगे एंड कल बढ़िया तरीके से व्लॉग शुरू होगा। एंड ये व्लॉग थोड़ा छोटा बन रहा है बट कोई नहीं, एंड उसके बाद हमेशा की तरह मतलब पिछले 3 दिन की तरह आज भी कड़ाके की बारिश हो रही है। छोड़ के भाई, अगर आप कोई काम करते हो या आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो या आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, कुछ भी आप करते हो, उसमें से अगर आप 10-15 दिन का ब्रेक लोगे तो उसके बाद ऐसा होएगा कि आपको कुछ सूझेगा ही नहीं कि क्या करना है। मतलब 1-2 दिन तक तो ऐसा होएगा कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। वैसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या करूँ। पहले मैं कहना चाहता हूँ कि यार जो भी भाई मेरे देख रहे हो ना, वो जिम विम जो करते हो वो मुझे बताना, नीचे की बॉडी का मैं देख लूँगा, एक्सरसाइज मुझे पता है कैसे करते हैं, ठीक है? मैंने भी कर रखी है जिम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे को बताना कि यार ये फेस फट कैसे कम करना है, ठीक है? वरना ऐसा होएगा कि कुछ दिन बाद मेरी गाल खींचे जाएंगे सब लोग, जो भी मिलेगा कूची मूची। ऐसा मेरे को यश ने कही थी भाई, उसके बाद से वो बात मुझे दिल पे लग गई है, तो मेरे को बता देना। एंड बारिश हो रही है तो कुछ बारिश में ऐसा गरम गरम तीखे चीज़ खाने का मन करता है, तो मैं जा रहा हूँ यश को फ़ोन करता हूँ एंड उसके बाद ऐसा करते हैं कि भाई उसके बाद चलते हैं। अब फेस फैट बट रहा है, मैं क्या बताऊँ, तुम लोग कहते होगे बड़े बेशरम है ये बंदा, इसको दिक्कत भी हो रही है उसके बाद भी मैं मान नहीं रहा। तो अपन मोमोज तो खा के आएंगे यार, एंड मोमोज नहीं खा के आएंगे तो मैं सोच रहा हूँ भुट्टा वुट्टा खा के आएंगे, तो उसके लिए अपन अभी बाबा को फ़ोन लगाते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसको आना ज़रूरी है। मेरे घर पे छाता वाता भी नहीं है, अभी 2 थे दोनों टूटे दोनों, तो उसको फ़ोन करते हैं छाते के लिए, उसको फ़ोन करते हैं। तो गाइस यश हमारे साथ आ गया था एंड भाई उसके बाद तो यश हमें बहुत जल्दी, यश के पास एक गुड न्यूज़ है, तो वो अपन डिस्कस करके फिर आप लोग तक पहुँचाऊँगा मैं। एंड बारिश जब होती है ना सारा काम खराब हो जाता है, तो वैसा ही कुछ मेरा आज का काम खराब हो गया, बट अपन ऐसा करेंगे कल से ब्लॉग बढ़िया आएंगे। एंड अभी हम निकले हैं कि अपने को भुट्टा मिल जाए और मोमोज मिल जाए बढ़िया वाले, है ना? भुट्टा खाएगा ना? एक नंबर भुट्टा खाएगी, बिल्कुल खाएगी खाएगी। तो फिर उसके बाद देखते जाओ यार, सब यही बता दूंगा फिर आगे का देखोगे। तो गाइस मोमोज तो हमने खा लिए थे एंड उसके बाद आप लोग कह रहे थे ना लाइटिंग बढ़िया आ रही है यहाँ पे, तो उसके बाद जो आप लोग कह रहे थे कि मेरा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप मेरा ऐसा कुछ नहीं है गाइज, एंड उसके बाद कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? अब मैं अगर वो सब लिखता भी हूँ स्टोरी पे, वो रात रात में बन जाता है खाली खाली दिमाग में, तो वो लिख देता हूँ। अरे कोर्ट पे मोमोज हो जाएंगे, मोमोज हो जाएंगे, चिकन मोमोज है, फुल नशे में हो क्या? करना भाई पैक करना है, चिकन वाली हाफ प्लेट, हाँ हाफ। इन भाई के पास से मोमोज खाते हैं हम, हैं ठीक है? हाय तो कर दो एक बारी, इनके पास हमने 5-6 बारी वीडियो नहीं बनाई, इन्होंने फ्री में देना छोड़ दिया है। यस ये पहले 2-3 पीस दे देते थे ऐसे है। यस चलो देखते हैं कितने, 3 डाले ना तुमने, 4-5-6 मेरे को लगा पूरा 12 ही कर देंगे पूरा। भाई चैनल का नाम है सिंह अभिषेक, सिंह अभिषेक आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा चैनल। क्या फोटो डाला है भैया? ऐसे चुप रहने का, हाँ सच में। बट देन गाइस के साथ हम करना चाहेंगे आज के व्लॉग, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आई तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, यहाँ तक आया हो तो लाइक पक्का कर देना, ज्यादा पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब जो मर्जी कर देना। एंड जाना है माइक वाली जो चीज है वो लेने जाएंगे। एंड गाइस थैंक यू फॉर द लव एंड कंसर्न जो आप लोग दिखाते हो, एंड मतलब अच्छा लगा जब आप लोगों ने पूछा ना, एंड
ये सब भी पूछा कि ठीक है सब ठीक है ये। तो एज आई ऑलवेज से आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग एंड थैंक यू गाइस.